नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए महाराष्ट्र में भाजपा में अलग अलग दलों से नेताओं व्यापारियों की मेगा भर्ती शुरू है। उसी सिलसिले से उल्लासनगर में भी भाजपा पक्ष प्रवेश का कार्यक्रम टाउन हॉल में रखा गया था। इस पक्ष प्रवेश कार्यक्रम में मेगा भर्ती के दौरान कालानी परिवार के कट्टर समर्थक भाजपा में शामिल हो गए। उल्लासनगर शहर से व्यापारियों और पूर्व नगर सेवकों का भी भाजपा में प्रवेश किया गया। भाजपा की टिकट पाने के लिए पूर्व विधायक और शहर जिला अध्यक्ष कुमार एलानी ने अपनी दावेदारी की है, जिसके लिए पार्टी के नेताओं ने भी उनका अपना समर्थन दिया है और कुमार एलानी ने चुनाव प्रचार की शुरुआत भी कर दी है। इसी प्रवेश कार्यक्रम में राम वाधवा को भी संयोजक का पद दिया गया और राम वाधवा ने पप्पू कालानी एक आतंकवादी है और आमदार ज्योति कालानी के लिए टीका टिप्पणी की, ऐसा विकिपीडिया बताता है, ऐसे खुले मंच से बोला गया। इस तरह के काम हमेशा से वहां से होते आए रहे। हमारे उल्लासनगर शहर में क्राइम जो है, क्राइम का रेट दिन बर दिन बढ़ते जा रहा है। सारे व्यापारी इस तरफ आ रहे, एंटी लोग उस तरफ जा रहे हैं। तो मैं यही आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, यही उम्मीद करूंगा कि आने वाले चुनाव में हम ऐसे गुनेगार लोगों को, गुनेगारी करने वालों को दूर रखें, इनसे दूर रहे, इनके साथ न घूमें। इनको पप्पू कालानी को विकिपीडिया में आप देखेंगे तो लिखा हुआ है टेररिस्ट, जो टाटा एक्ट में कहते टेररिस्ट, आतंकवादी। अब आतंकवादियों को जगह भारत देश में देना चाहिए क्या? ऐसे लोगों को भारत देश में नहीं देना चाहिए। हमारा शहर तो छोड़िए, इनको भारत देश में रहने का अधिकार नहीं है। तो यही विनती करूंगा आने वाले चुनाव में साथ सभी के, हमारे कुमार जी है उन सभी के लिए हम साथ में रुके, उनके लिए हम समर्थन करेंगे। और आने वाले चुनाव में वो अगर खड़े होते हैं, उन्हें पार्टी की टिकट तो मिलनी है ही है, कंफर्म ही है, वो खड़े होंगे और उनको ज्यादा से ज्यादा वोट देकर दिलाने का काम हम सभी को करना है। जिसके बाद जिला अध्यक्ष कुमार एलानी ने इन सारे शब्द जो बोले गए थे उनके लिए माफी मांगी। मैं पहली बात तो मैं राम जी को बताऊं, ये जो आज आपने मंच पे बात बोली वो बोलनी नहीं चाहिए। ये मंच आज प्रवेश का है, किसी के ऊपर अटैक करना या किसी के ऊपर बोलना वो हमें शोभा नहीं देता। मैं क्षमा चाहता हूं, अभी वो आज पहली बार प्रवेश किया और राजनीति में घुस रहा है तो ऐसे शब्द दिल में रखे जाते हैं, मंच पे नहीं बोले जाते हैं। मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, यदि किसी की भावना को ठेस पहुंचा है तो मैं माफी मांगता हूं, ऐसा राम वाधवा ने भी पत्रकारों को बताया। देखिए, कल 14 सितंबर 2019 के दिन उल्लासनगर 3 टाउन हॉल में भाजपा पक्ष की तरफ से पक्ष प्रवेश का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसी कार्यक्रम में मुझे उल्लासनगर शहर के संयोजक यानी कि प्रवक्ता करके मुझे पद दी गई है। वो पद स्वीकारने के बाद मेरी तरफ से टाउन हॉल में एक स्टेटमेंट दिया गया था सच्चाई के आधार पर। मैंने उस स्टेटमेंट में ये बताया है कि विकिपीडिया पे जो लिखा गया है उल्लासनगर शहर के बारे में, माजी आमदार पप्पू कालानी जी, आमदार मैडम ज्योति कालानी, ओमी कालानी जी, उनके बारे में जो विकिपीडिया पे हकीकत है वो मैंने सिर्फ पब्लिक को वहाँ पर पढ़ के सुनाया है। उसका आक्रोश उस चीज़ को लिखे कुछ लोगों में नाराज़गी व्यक्त हुई है, वो लोगों की तरफ से व्हाट्सएप पे स्टेटमेंट आ रही है कि ये बात जिसने बोली है हम उसको छोड़ेंगे नहीं, गुनहगारी के उनकी धमकियां आ रही है, हम उसको घर से बाहर निकलने देंगे नहीं। पता चला अभी मोर्चा भी लेके आ रहे हैं वो, तो हमने तो हमारी जो प्रिकॉशंस लेनी है पुलिस की तरफ से, पुलिस को हमने इंटीमेशन दे के वो कर लिया हमारी। लेकिन मेरे बोलने का मतलब ये कि जो कल स्टेटमेंट दी गई थी वो एक सच्चाई के आधार पर विकिपीडिया से पढ़ के मैंने सिर्फ सुनाया था, कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं थी। लेकिन फिर भी अगर उसको लेकर के किसी का दिल दुखा है तो वो मेरी कभी भावना नहीं थी, वो मैंने उस उद्देश्य से कुछ ये बोला नहीं था। फिर भी अगर किसी को उसका बुरा लगता है, सच्चाई सच कड़वा रहता है, तो मैं उसकी दिलगिरी व्यक्त करता हूँ। और जब ये बात शहर में चर्चा में आई तो कालानी समर्थकों ने इसका पुरजोर विरोध किया, जिसके विरोध में कालानी समर्थकों ने भाजपा शहर जिला अध्यक्ष कुमार एलानी के घर के सामने विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय पुलिस ने भी
प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। सभी पत्रकारों को आज हम लोग ने कुमार एलानी के घर का यहाँ पर आके उद्भू कलानी को कल रात को कुमार एलानी के मंच पर, ये शहर का आतंकवादी है, आप सभी पत्रकारों को पता होगा कि पप्पू कलानी ने ये शहर के लिए क्या किया है। सिंधी समाज, दलित समाज, उत्तर भारतीय, मुस्लिम, इन सब समाजों को पप्पू कलानी ने गाँव को शहर बनाया और आज उसको ऐसा व्यक्ति जो जिसके ऊपर 8 मामले दर्ज है, जो येरोडा जेल में है राम वाधवा, जो चीटर है, जो चोर है, वो कुमार एलानी के साथ में बैठकर, जो दुलीचंद कलानी की हत्या का प्रमुख आरोपी है कुमार एलानी, और ऐसा आदमी हमारे आदरणीय महानायक पप्पू कलानी जी को आतंकवादी कहते हैं, ये पूरे शहर को पता है कि हम क्या है। और हमने आज पुलिस को निवेदन दिया है कि मोमी कलानी यूथ की तरफ से कि 3 दिन के अंदर यदि राम वाधवा पर और कुमार एलानी पर गुनाह दाखिल नहीं हुआ तो ये शहर का लॉ एंड ऑर्डर का हम पूरी तकलीफ दे देंगे। और पूरा सिंधी समाज, सभी समाज के लोग सड़कों पर उतर कर कुमार एलानी के खिलाफ हम शहर में घूमने नहीं देंगे और कुमार एलानी के मुंह पर काला लगाएंगे। जिसके बाद टीओके की यूथ विंग ने पुलिस को एक ज्ञापन दिया और मांग की कि जिसने भी ऐसे शब्द बोले हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आतंकवादी है क्या पप्पू कलानी? अब तो इलेक्शन सिर्फ शुरू हुए हैं, अभी आगे तो और 1 महीना पूरा है, तो संयम रखना चाहिए उनको भी। और मैदान खाली है लड़ाई करने के लिए, जिसको लड़ाई करनी है, आमदार का चुनाव लड़ना है, वो अपने हिसाब से, हम लड़ रहे हैं ना, हम काम कर रहे हैं ना। पर मुझे लग रहा है कि ये 2-4 दिनों से जो मेरी जो सक्सेस है, जो 5 सालों की जो मैं नोटिफिकेशन वगैरह लाई हूँ और काम मैंने जो 6 करोड़ रुपये की सरकार से पास करा के, और 2 दिनों से जो उनकी ओपनिंग और मुहूर्त हो रहे हैं, ये फ्रस्ट्रेशन निकल रही है उनकी, जो कि गलत बात है। हम पुलिस स्टेशन पे हमारे सभी कार्यकर्ता जो हैं समर्थक पप्पू कलानी के यहाँ पे मोर्चा लेकर के आए हैं और निवेदन सिर्फ देने के लिए कि जिन्होंने ये शब्द बोले हैं कि ज्योति कलानी क्रिमिनल है और पप्पू कलानी टेररिस्ट है, उनके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लिया जाए, नहीं तो बात इससे भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। और जिन्होंने बोला है रेपिस्ट, बलात्कारी लोगों के को अगर हम नहीं हुआ कुछ तो लगेगा कि इनको प्रोटेक्शन मिल रहा है, फिर उसके बाद में जो हम भी मैदान पे उतर आएंगे। अभी सिर्फ अल्टीमेटम देने पुलिस को आए हैं कि आइंदा 1 महीना और पड़ा है कि आइंदा ऐसी कोई बात नहीं हुए, सिचुएशन पुलिस को संभालनी चाहिए। अभी देखिए गुनहगार हैं तो आप सभी को तो मालूम है कि कुमार एलानी तो दुनीचंद कलानी मर्डर केस में है, वो गुनहगार नहीं है क्या? पर अगर अभी इलेक्शन के टाइम में हम ये सब बातें निकालेंगे तो मुझे लगता है कि हमें काम करने के लिए बहुत कुछ है, हमें इलेक्शन लड़ने के लिए और जीतने के लिए बहुत कुछ करना है। हमको एक सेकंड बोलेंगे ना तो घर में ऐसे फुर्सत नहीं मिलती है, तो ये सब बातों को हम ध्यान नहीं देते हैं। पर ऐसी सिचुएशन शहर में पैदा नहीं हो, कौन कितना गुनहगार है, किसने क्या काम किया है और क्या है, वो पूरी शहर जानता है। मैं पूछती हूँ गुनहगारों से, क्या पप्पू कलानी जेल में रह के 2 बार चुनाव नहीं लड़ के आए थे? क्या आए थे? वोट देने वाले कौन थे? पब्लिक थी ना, तो बोलने वालों को बोलने दो, जो बोलते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम आदी हैं। और मैंने पहले ही कहा है कि जब इलेक्शन आती है तो आल वर्सेस पप्पू कलानी फैमिली, ये तो नियम है ना, हमेशा हर इलेक्शन में ऐसे ही होता है और अभी भी ऐसे ही हो रहा है और ऐसे ही होने वाला है। पर हम तैयार हैं क्योंकि 5 साल हम लोगों ने जी जान से इस शहर की सेवा की है और हम उसकी वजह से इलेक्शन लड़ने को बिल्कुल तैयार हैं और हम अपने बलबूते पे लड़ेंगे। ये लड़ाई झगड़ा मारामारी करके और गंदे शब्द बोल करके हम नहीं लड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। राम ने स्टेटमेंट कल बोली थी, पिछली स्टेटमेंट
पिछली स्टेटमेंट है, पीछे लिया रिकॉर्डिंग तो आगे है ना, रिकॉर्डिंग तो आगे है, पीछे लिया तो पब्लिकली खड़े होके पुलिस स्टेशन में आकर के माफी मांगे सबसे। वो राम वाधवा कौन है आप सबको तो मालूम है, एक बलात्कारी इंसान जो बोलेगा उसके ऊपर पब्लिक। और हमें देखिए, हम चुनाव लड़ते हैं सिर्फ काम पे, ये चुनाव के स्टंट्स हैं जो वो कर रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। शहर का माहौल खराब होगा, उससे उनके वोट नहीं बढ़ने वाले हैं, पर ये अच्छी बात नहीं है। शहर का माहौल खराब होगा, टाइम वेस्ट होगा, हमारा टाइम वेस्ट होगा, पुलिस का टाइम वेस्ट होगा, ये बातें आइंदा ऐसे नहीं हो, इसके लिए हम यहाँ पुलिस स्टेशन पे आए हैं। 14 नवरोजी भिवंडी टाउन हॉल इधे भाजप कार्यकर्त्यांचा कार्यक्रम होता, त्या कार्यक्रमामध्ये भारतीय जनता पक्षाचे माजी आमदार सुकुमार आले यांच्या उपस्थितीत राम वाधवा यांनी माजी आमदार सुकू कराणी यांच्या संदर्भात अपशब्द वापरले, त्या विरोधात टीम उभी कराणी पक्षाचे जे काही कार्यकर्ते होते त्यांनी त्याच्यावर चौकशी करून कारवाई करण्याबाबत निवेदन दिलेलं आहे, अर्ज दिलेला आहे, अर्जाच्या नुसार अर्जाची चौकशी आम्ही करत आहोत, जी काही प्रचलित कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई करण्यात येईल। अर्ज चौकशी किती लोकांना तुम्ही अटक केलेली आहे आणि सध्या याच्यामध्ये आम्ही 20 कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतलेलं आहे मुंबई पोलीस 68 प्रमाणे आणि त्यांना 1917 रिलीज केलेलं आहे। उल्हास लाईन बुलेटिन को सबस्क्राइब करे, बेल आयकॉन दबाए और देखिए उल्हास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।